सवाल ये नहीं है कि सत्ता में रहकर ही सेवा होती है, सवाल यह है कि लोकतंत्र दो पटरियों का है, एक को सत्ता में रहकर सेवा का धर्म निभाना पड़ता है, एक को विपक्ष में रहकर सेवा का धर्म निभाना पड़ता है। तब विपक्ष की जिस पटरी का जनता ने हमें जनादेश दिया है उसका काम हमें पूरा करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुन के आए थे तो उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपके घर में जो तेल उस समय 60 रुपए का था अब तो 30 रुपए का हो गया होगा, जो पेट्रोल 60 रुपए का था वो अब 25 रुपए का हो गया होगा। अरे कैसा देश है, पानी की बाटल अच्छी कंपनी की एयरपोर्ट पे खरीदो तो 120 रुपए, 100 रुपए, सरसों का तेल मीठा तेल खरीदो तो 100 रुपए का, पेट्रोल खरीदो तो 100 रुपए का, डीजल खरीदो तो 100 रुपए का, अरे सब भाव 100 रुपए। तो ये देश में इस तरह के की वातावरण की हमें बात गांव गांव गली गली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, अब तो गेहूं 3000 का बिकना मंडी क्या होगा? नहीं नहीं मतलब ये मंडी में जो फसल जाती है, मंडी की जो सब्जियां जाती है डबल भाव की हो गई होगी, ये रासायनिक बेचने वाले लोग हैं आधे भाव का हो गया होगा। अरे आपने कहा बहुत हुई मैं दुगनी आय कर दूंगा, 10 साल में जो थी वो भी रह गई। तो ये सवाल हम घर घर गांव गांव नहीं कर सकते हैं। अभी बीजेपी ने चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि हमने कहा 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम होना चाहिए, बार बार का, 100 बार का, 1000 बार का, जब अवसर मिला तब का। तो बहुत लोग सवाल उठाते थे, बीजेपी के भी उठाते थे कि ये जीतू पटवारी अकेला चिल्ला रहा है, राव के परिवार का आदमी ही अकेला चिल्ला रहा है, फिर असर नहीं होता उस बात में, तो फिर वो 2700 रुपए उनके घोषणा पत्र में क्यों करते? किया नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारी भावना विपक्ष में रहकर अब भारतीय जनता पार्टी को 2700 रुपए देना पड़ा, हम विपक्ष में थे, हम दूसरी पटरी पे काम कर रहे थे, पर हम किसानों के भले की बात कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल बीजेपी बच नहीं सकती है, न मोहन यादव जी बच सकते हैं, न पूरे पूरी सरकार बच सकती है, हर हालत में देना पड़ेगा, छोड़ेंगे ही नहीं इनको। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा दायित्व है आपके हितों की रक्षा करना और हर हालत में करेंगे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को पहली बार इंदौर में सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा मैं इतने दिन से यहाँ नहीं आया तो लोग बोल रहे थे कि भैया आ ही नहीं रहे थे। बता दूं कि एक हनीमून पीरियड होता है, अभी चुनाव निपटे हैं तो अभी एक दो महीने जाने दो, थोड़ा परिस्थितियों को संभलने दो, फिर हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। इधर बीजेपी ने पटवारी के इस बयान पर चुटकी ली है कि हार के बाद हनीमून पीरियड होता है, यह पहली बार सुना है। वही जीतू पटवारी ने उज्जैन की घटना को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि उज्जैन के माकरोन में बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पटवारी ने आग्रह किया कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखें, दोनों ही महापुरुष हम सभी के आदर्श हैं। पटवारी ने कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश में केवल बांटने की राजनीति की है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी रंग और भाषा के नाम पर, और अब महापुरुषों तक भी भाजपा की नफरत की राजनीति की आग पहुंच चुकी है। साथ ही पटवारी ने कहा कि राव विधानसभा मेरा परिवार था है और रहेगा। इस दौरान सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या नजर आ रही थी। शहर के निजी गार्डन में आयोजित हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, लोकसभा प्रभारी बाला बच्चन, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी मनीष पटेल, कांग्रेस नेता स्वप्निल कोठारी, समंदर पटेल, राधेश्याम पटेल समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। राव विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राव विधानसभा मेरा परिवार था है और रहेगा।